सलमान के साथ औजार और बॉडीगार्ड जैसी फिल्मों में काम करने के साथ ही बादल और सोल्जर जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले एक्टर जीतू वर्मा पर एक बार फिर जानलेवा हमला कर दिया गया था। ये वाकया उस वक्त का है जब जीतू कार से जयपुर से माउंट आबू जा रहे थे, तभी अचानक उनकी कार में कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये वाकया दिन के समय में हुआ था। कार में ये एक्टर ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। इस बीच कार पर कुछ लोगों ने अंधाधुंध पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। अचानक हमले के बाद कार के ड्राइवर ने स्पीड बढ़ा दी, लेकिन एक पत्थर कार के सामने वाले शीशे पर लगा और ये सीधे जीतू की आंख पर जाकर लग गया। जैसे पत्थर उनकी आंख पर लगा तो उनकी आंख से खून बहने लगा। खैर, ड्राइवर ने वहां से तेजी के साथ गाड़ी निकाली और इसके बाद उदयपुर एयरपोर्ट से उन्हें मुंबई ले जाया गया, जहां अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल जीतू की पत्नी कुसुम ने मीडिया को बताया था कि ऐसे हालातों में सुनील शेट्टी ने उनका बहुत साथ दिया था। सुनील ने ही जीतू को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया था। वैसे इस हादसे में जीतू की आईब्रो फ्रैक्चर हो गई थी और उन्हें 10 टांके लगाने पड़े थे। न्यूज रूम से फिल्मी अड्डा की रिपोर्ट।